अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अवर इंग्लिश बी लेक्चर, इंग्लिश वर्क बुक, पेज नंबर 22. लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज और आर. इस और आर से स्टूडेंट्स हमने ब्लैंक्स फिल करनी है. इस पिक्चर को देखे, देयर डैश अ पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के नज़दीक एक पार्क है. ये एक चीज़ सी पार्क, इसलिए हमने यहाँ पर इज ऐड किया है. इस और आर हमने यूज़ करना है. इस जैसे एक चीज़ सिंगुलर्स के लिए हम इस यूज़ करते हैं है, और प्लूरल्स के लिए हम आर यूज़ करते हैं. ज़्यादा चीज़ें हों तो हम हैं यूज़ करते हैं. देयर डैश अ पॉन्ड इन द पार्क, पार्क में एक पॉन्ड है, तालाब है, तो तालाब एक चीज़ थी इसलिए हमने इस यूज़ किया. देयर डैश मैनी ट्रीज ज़्यादा है, हमने आर यूज़ किया. टू बॉयज़ एंड गर्ल आर सेलिंग इन अ बोट. गर्ल एंड बॉयज़ ज़्यादा थी इसलिए हमने आर यूज़ किया. द गर्ल्स ज़्यादा हैं. द गर्ल्स आर वॉकिंग अराउंड द पार्क. अ लेडी, एक लेडी है, इज़ वॉकिंग विद हर डॉग. अ बॉय इज़ फ्लाइंग अ काइट इन द पार्क. बॉय भी एक है इसलिए हमने इज़ यूज़ किया. टू बर्ड्स है तो हम आर यूज़ करेंगे, चिपिंग ऑन अ ट्री. टू डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड. टू डक्स ज़्यादा डक्स हैं इसलिए हमने आर यूज़ किया, उनके लिए हैं. ऑल द चिल्ड्रन, बच्चे भी ज़्यादा हैं इसलिए हमने आर यूज़ किया. प्लूरल्स के साथ हम आर यूज़ करते हैं, सिंगुलर्स के साथ हम इज यूज़ करते हैं. ऑल द चिल्ड्रन आर हैप्पीली प्लेइंग इन द पॉन्ड. नेक्स्ट पेज पर आ जाए स्टूडेंट. साउंड्स हैं उनको ऑब्जेक्ट से मैच करना. टिंकल ऑफ अ ग्लास, द रिंग ऑफ अ बेल, द बीट ऑफ अ ड्रम, ड्रम बीट होती है, टिकिंग ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक की टिक टिक, एंड द बूमिंग ऑफ अ गन. दिस सेंटेंसेस बिलो हैव नाउन्स विच आर इधर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. अंडरलाइन द कॉमन नाउन, जो आम चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे, और जो प्रॉपर नाउन खास चीज़ें हैं उनको हम सर्कल करेंगे. माई फ्रेंड रमशा हैज़ अ न्यू पेट डॉग. फ्रेंड एंड डॉग कॉमन नाउन है, आम चीज़, ऑर्डिनरी थिंग्स, जबकि रमशा एक नाम है, प्रॉपर नेम है किसी पर्सन का, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे, ये प्रॉपर नाउन है. द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड एंड काउस जो है ये कॉमन नाउन है इसलिए हम इनको अंडरलाइन करेंगे. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस टू लेक्चर्स में कॉमन एंड प्रॉपर की डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी. वो दो लेक्चर्स में गई हैं, उसके मैंने आपको ब्रीफ किया था कि कॉमन नाउन क्या होते हैं. जो चीज़ें ऑर्डनरी होती हैं, आम चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम उनका एक स्पेशल नेम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होती हैं. मिसेस बॉस जैसे एक नेम है किसी पर्सन का, तो ये प्रॉपर नाउन है इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे. आंट कॉमन है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे. ब्रदर भी कॉमन है इसलिए इसको अंडरलाइन करेंगे. चॉकलेट्स भी कॉमन है इसलिए इसको अंडरलाइन करेंगे हम. उसके बाद नेक्स्ट है लव कैडबरी चॉकलेट्स. अब ये देखिए कैडबरी चॉकलेट्स जो है ये ब्रांड का नेम है, उसका जो है स्पेसिफिक नेम है कैडबरी, तो हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको सर्कल करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है. माय नेबर, नेबर जो है कॉमन है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया. मिस्टर बॉस नेम है इसलिए हमने इसको प्रॉपर नाउन है ये, इसको सर्कल किया. आर्मी ऑफिसर इज़ अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर जो ये नाउ कॉमन नाउन है इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया. द स्कूल इज़ नियर अ पार्क, स्कूल और पार्क हमें किस इसका नेम नहीं दिया गया, तो ये कॉमन नाउन है, इन दोनों को हम करेंगे अंडरलाइन. मिसेस साद नेम है, और इंग्लिश टीचर इज़ माई इंग्लिश टीचर, हमें पता है कि वो इंग्लिश पढ़ाती हैं इसलिए ये दोनों प्रॉपर नाउन है, हम दोनों को सर्कल करेंगे. वेयर इज़ योर बैग, आमिर बैग जो है कॉमन नाउन है, और आमिर एक पर्सन का नेम है इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे, दिस इज़ प्रॉपर नाउन. वी हैव अ हॉलीडे ऑन फ्राइडे, डे का नेम जो है प्रॉपर है और हॉलीडे जो है वो कॉमन है इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे और फ्राइडे को हम सर्कल करेंगे. एड एस टू मेक एन मैनी फ्रॉम वन नोज, नोजेस हमने एस ऐड करना सबके साथ. विंडो विंडोज, एल्बो एल्बोस, क्लॉक क्लॉक्स, हॉर्स हॉर्सेस एस लगा दिया, टो टोज एस लगा दिया, नीज के साथ एस लगाया, मंथ्स टॉयज, फ्रूट्स हॉर्न्स एंड ट्रीज. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका वर्कबुक का पेज नंबर 22 एंड 23 मैंने कंप्लीट करवाया. इसको आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व भी करना है और इसको आपने लर्न भी करना है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.